नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं प्रीति। राजधानी पटना में पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम बड़ी ही तेजी से चालू हो चुका है और इसको लेकर के अगर जमीन की बात कर ली जाए तो 70% जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है ताकि जो काम है उसे बड़ी ही तेजी से किया जा चुके। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी पटना के RPS मोड़ के पास। RPS मोड़ पर भी पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। अभी हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से मिट्टी खुदाई का जो काम है वो शुरू हो चुका है। हम आपको अपने कैमरे की तरफ से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी खुदाई का काम चल रहा है। सड़कों को घेर दिया गया है ताकि अच्छी तरीके से काम हो सके और उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो पाए। तो आपको बता दें कि राजधानी पटना में मेट्रो का जो काम है वो बड़ी ही तेज़ी से चल रहा है। बात अगर कंकड़बाग की कर ली जाए तो कंकड़बाग में मलाई पकड़ी से न्यू ISBT मोड़ तक जो काम है वो अभी सबसे रफ्तार में चल रहा है। पटना के गांधी मैदान, अशोक राजपथ पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। वहीं हम अभी मौजूद है पटना के RPS मोड़ के पास। यहाँ भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। आपको बता दें कि अगर ज़मीन की बात कर ली जाए तो 70% ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। बाकी जो बचे हुए ज़मीन है उस पर अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं और उस पर ही बातचीत की जाएगी। फिर उस ज़मीन को भी अपने कब्जे में लिया जाएगा और फिर वहां पर भी काम शुरू की जाएगी। फिलहाल बाकी जो जगह है उस पर काम नहीं चल रहा है। अगर अंडरग्राउंड की बात करें, अंडरग्राउंड रूट की, तो उस पर भी अभी काम शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि जो फंड है वो नहीं मिल पाया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 20% राशि केंद्र दे रही है, 20% राशि राज्य सरकार दे रही है, शेष जो राशि है वो वित्तीय एजेंसी देगी, जिसमें से एक है जापान की कंपनी जायका। अब जायका की टीम यहाँ 6 महीने पटना में आएगी, जांच करेगी, अवलोकन करेगी, आकलन करेगी, उसके बाद सरकार को फंड देगी। और जैसे ही ये फंड सरकार को मिलेगा वैसे ही अंडरग्राउंड के जो रूट है वो भी शुरू हो जाएंगे, जो कि चिड़ियाघर, न्यू म्यूज़ियम, पाटलिपुत्र, ये सब जो है ये अंडरग्राउंड रूट आते हैं। इसलिए अभी फंडिंग नहीं है तो काम इस पर अभी शुरू नहीं हो पाया है। फिलहाल जो ऊपर का रास्ता है वहाँ पर काम बड़ी ही तेज़ी से चल रहा है। कंकड़बाग के मलाई पकड़ी, अशोक राजपथ, RPS मोड़, सगुना मोड़ के पास मेट्रो का काम बड़ी ही तेज़ी से चल रहा है। वहीं जो ज़मीन है उस पर भी अभी जांच की जा रही है, उसके बाद स्टेशनों की नींव भी रखी जाएगी। फिलहाल ये अपडेट थी राजधानी पटना के RPS मोड़ से कि किस तरीके से यहाँ पे पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और कब लोग जो है रेलवे का, मेट्रो रेलवे की सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसे में जितने भी मेट्रो से जुड़ी हुई खबरें होंगी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बन रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।